सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं जंगल क्रूज के बारे में। ये कहानी है एक अनोखे जंगल की, जिस जंगल ने अपने भीतर बहुत सारे राज दफन कर रखे हैं। इस जंगल के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी सबको तलाश है, लेकिन उन चीजों को पाना इतना आसान नहीं है। कभी कभी उन चीजों को पाने के लिए आपको अपनी आत्मा तक को खोना पड़ता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 16वीं शताब्दी का दृश्य आता है और हम डॉन अग्वायर नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसके साथ उसकी पूरी सेना है और वो इस रहस्यमय जंगल में एक अनमोल चीज को ढूंढने आया है, जिसे लोग टीयर्स ऑफ द मून कहते हैं। और टीयर्स ऑफ द मून को ढूंढना इतना आसान नहीं है, लेकिन अग्वायर हार नहीं मानता और वो ढूंढता रहता है। इसी बीच ये जंगल इन पे बार बार हमला करता है और जल्दी ही जंगल इन सारे लोगों को खत्म कर देता है। लेकिन जब ये लोग अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं, तभी इनके पास एक कबीले के आदिवासी आते हैं और बड़ी मिन्नतों के बाद इन्हें जीवित कर देते हैं। लेकिन अग्वायर जैसे ही जीवित होता है, उसे पता लग जाता है कि इन कबीले वालों को पता है कि टीयर्स ऑफ द मून कहां पे मिलेगा और इनके पास उस जगह की चाबी भी है। इसीलिए अग्वायर पहले इनसे वो चाबी लेने की कोशिश करता है, लेकिन जब ये लोग नहीं बताते तब अग्वायर इन सबको मार देता है और सारे लोग मर जाते हैं। लेकिन इस कबीले का सरदार जब मर रहा होता है, तभी वो इन सबको शाप दे देता है कि वो कभी भी इस जगह से बाहर नहीं जा पाएंगे और ये ऐसे ही अनंत काल तक मुक्ति के लिए भटकते रहेंगे। और अगर इन लोगों ने यहाँ के नदी को पार किया तो ये लोग उसी वक्त पत्थर के बन जाएंगे। और अब समय ऐसे ही बीतते जाता है और हमारे सामने 1916 का दृश्य आता है और हम डॉक्टर लिली हॉकटन को देखते हैं। लिली एक बॉटनिस्ट है, यानी कि वो जड़ी बूटियों और दवाइयों पे शोध करती है। और यहीं पे हम लिली के छोटे भाई को देखते हैं, जिसका नाम है मैग्रेगर हॉकटन, और मैग्रेगर लिली का असिस्टेंट है। और यहाँ पे मैग्रेगर के भाषण को सुनकर लगता है कि इन्हें भी टीयर्स ऑफ द मून के बारे में पता है, इसीलिए मैग्रेगर अभी टीयर्स ऑफ द मून की सारी क्वालिटीज के बारे में बात कर रहा है, वो भी रॉयल सोसाइटी एक्सप्लोरर्स के सामने, कि अगर इन्हें टीयर्स ऑफ द मून मिल गया तो ये ऐसी बीमारियों की दवाइयां बना पाएंगे जिन बीमारियों को आज तक कोई भी ठीक नहीं कर पाया है। लेकिन टीयर्स ऑफ द मून को ढूंढने के लिए इन्हें एरोहेड की जरूरत है, जिसे डॉक्टर एल्बर्ट फॉल्स ने ढूंढा था। और लिली और उसके भाई का मानना है कि ये एरोहेड ही उस दरवाजे की चाबी है, जिस दरवाजे के भीतर टीयर्स ऑफ द मून है। लेकिन यहाँ बैठे सारे लोग इस प्रस्ताव को खारिज कर देते हैं और इस बात को सुनते ही लिली यहाँ से चुपके से निकल जाती है और वो म्यूजियम की तरफ जाने लगती है, जहाँ उसे एरोहेड मिलेगा। तभी रास्ते में लिली की मुलाकात होती है प्रिंस ओकिम से और ओकिम लिली को ऊपर जाता हुआ देख लेता है। और लिली जैसे ही ऊपर जाती है, वो बहुत ही जल्द एरोहेड को चुरा लेती है, क्योंकि ओकिम भी यहाँ पे एरोहेड के लिए ही आया हुआ है। लेकिन जैसे ही ओकिम एरोहेड वाले डब्बे को खोलता है, वो देखता है कि इस डब्बे में एरोहेड नहीं है और वो समझ जाता है कि इसे लिली ने चुराया है। तभी वो अपने सामने लिली को पाता है, जो यहाँ से भाग रही होती है, और भागते भागते लिली खिड़की से लटक जाती है। और ओकिम उसे कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो मुझे एरोहेड दे दो। फिर लिली एरोहेड का डब्बा ओकिम की तरफ फेंकती है और यहाँ से भाग जाती है। लेकिन ओकिम जैसे ही डब्बे को खोलता है, वो देखता है कि इस डब्बे में एरोहेड नहीं है। और अब लिली पहुंचती है अपने घर पे और उन्हें जो चाहिए था वो मिल चुका है, इसीलिए अब उन्हें जंगलों में जाना है ताकि वो जल्दी से टीयर्स ऑफ द मून को ढूंढ सके। इसीलिए वो जंगलों की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी हमारे सामने अमेज़न जंगल का दृश्य आता है और हम यहाँ पे फ्रैंक को देखते हैं। और हमें पता लगता है कि फ्रैंक अपने सारे कस्टमर्स को बहुत ही ज्यादा बेवकूफ बनाता है और उनसे जरूरत से ज्यादा पैसे ऐंठता है। लेकिन फ्रैंक जैसे ही शहर की तरफ वापस आता है, उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम है नीलो, और फ्रैंक ने नीलो से कर्जा ले रखा है। इसीलिए नीलो यहाँ पे फ्रैंक के जहाज का इंजन चुरा लेता है और कहता है कि जब तक तुम मेरे पूरे पैसे नहीं लौटाते, तब तक तुम्हारे जहाज का इंजन मेरे पास रहेगा। और अब नीलो जहाज के इंजन को एक जगह बंद कर देता है और बंद करने के बाद जहाँ वो चाबी को रखता है, फ्रैंक उस जगह को देख लेता है। इसीलिए फ्रैंक चुपके से नीलो के ऑफिस में घुस जाता है। तभी यहाँ पे लिली अपने भाई के साथ आती है और उसे जंगल में अंदर जाना है, इसीलिए उसे एक जहाज और एक कप्तान की जरूरत है। और सबने उसे बताया होता है कि नीलो के पास बहुत सारे जहाज है, इसीलिए लिली पहुंचती है अब नीलो के ऑफिस में, जिसके अंदर फ्रैंक होता है। और फ्रैंक उस डब्बे को खोलने की कोशिश कर रहा होता है जिस डब्बे के अंदर चाबी होती है, लेकिन वो नहीं खोल पाता। तभी लिली अंदर चली आती है और अंदर आने के बाद लिली को लगता है कि यही नीलो है, इसीलिए वो फ्रैंक से सौदा करने लगती है। और इसी बीच लिली की नजर पड़ती है उस डब्बे पे, जिसे फ्रैंक खोलने की कोशिश कर रहा था। और फ्रैंक इस चीज को देख लेता है कि लिली ने उस डब्बे को देख लिया है, इसीलिए वो कहता है कि मेरी चाबी खो गई है। और इस बात को सुनते ही लिली झट से उस डब्बे को खोल देती है और फ्रैंक अंदर से चाबी निकाल लेता है। और अब ये लोग पहुंचते हैं कैफेटेरिया में किराए के बारे में बात करने के लिए। तभी यहाँ पे लिली का भाई नीलो को लेकर के आ जाता है और लिली समझ जाती है कि फ्रैंक नीलो नहीं है। और जब लिली यहाँ से जाने लगती है, तभी फ्रैंक की नजर पड़ती है एरोहेड पे, जो कि लिली के गले में लटक रही है। और इस एरोहेड को देखते ही फ्रैंक अपने किराए को एकदम से कम करने लगता है, लेकिन लिली अब फ्रैंक के साथ नहीं जाना चाहती। तभी यहाँ पे अचानक एक जगुआर घुस आता है और सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन फ्रैंक बड़ी ही बहादुरी के साथ इस जगुआर का मुकाबला करता है और बड़ी ही चालाकी के साथ उसे यहाँ से भगा देता है। और इस चीज को देख करके लिली प्रभावित हो जाती है और उसे लगता है कि फ्रैंक इस जंगल को अच्छे तरीके से जानता है, इसीलिए अब ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। फ्रैंक अपने इंजन को वापस चुरा लेता है, लेकिन लिली जैसे ही फ्रैंक के जहाज में बैठने वाली होती है, तभी उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं और ये लोग होते हैं ओकिम के। लेकिन लिली इन्हें चकमा देकर के इनके पास से भागने लगती है। तब तक फ्रैंक अपने जहाज और लिली के भाई को लेकर के आगे बढ़ चुका है, क्योंकि नीलो के लोग उसका पीछा कर रहे हैं। और थोड़ी दूर आने के बाद फ्रैंक लिली की मदद के लिए आता है और गुंडों को भगाने के बाद कहता है कि चलो, और वो
खुद पानी में कूद जाता है और वो लिली को भी पानी में कूदने के लिए कहता है, लेकिन लिली पानी में नहीं कूदती बल्कि पानी में कूदने के बदले वो एक लंबा रास्ता तय करती है और रस्सियों की मदद से जहाज पे पहुंचती है। और फ्रैंक उससे पूछता है कि तुम पानी में क्यों नहीं कूदी। तब लिली का भाई बताता है कि इसे पानी से डर लगता है और इसे तैरना बिल्कुल भी नहीं आता। तभी हम ओकिम को देखते हैं जिसे पता लग जाता है कि लिली उसके आदमियों को चकमा देकर के निकल चुकी है, इसीलिए अपने सबमरीन को बाहर निकालता है। और हम देखते हैं कि वो फ्रैंक के जहाज के बहुत ही नजदीक है और यहाँ पे ओकिम अपने सबमरीन से अंधाधुन गोलियां चलाने लगता है फ्रैंक के जहाज पे, लेकिन फ्रैंक उन सारी गोलियों से बच जाता है। तब ओकिम गुस्से में आकर के फ्रैंक के जहाज पे टॉरपीडो छोड़ता है, लेकिन फ्रैंक बड़ी ही चालाकी के साथ टॉरपीडो से भी बच जाता है। लेकिन यहाँ पे ओकिम की सबमरीन फंस जाती है और फ्रैंक यहाँ से लिली को लेकर के निकल जाता है और ये लोग बड़े आराम से अपने सफर में आगे बढ़ने लगते हैं। और इसी बीच लिली यहाँ की बहुत सारी फोटोज खींचती है और वो फ्रैंक की भी फोटोज खींचती है। और थोड़े समय के बाद ये लोग अपनी जहाज को एक जगह रोक देते हैं क्योंकि रात हो चुकी है। और जब लिली और उसका भाई कहता है कि उन्हें भूख लगी है, तब फ्रैंक उनके लिए पिराना मछलियां पकड़ता है और इन्हीं मछलियों को ये रात में खाते हैं। और जब खाना खाने के बाद मैग्रेगर नीचे सोने जाता है, तभी अचानक वो भागता हुआ ऊपर आता है क्योंकि उसने उसी जगुआर को इस जहाज में देखा है और वो जगुआर भी मैग्रेगर के पीछे पीछे आता है और ये दोनों जगुआर को देख के डर जाते हैं। तभी फ्रैंक इन्हें बताता है कि ये जगुआर उसका पालतू है और उसने इस डील को पाने के लिए जानबूझ के इस जगुआर का इस्तेमाल किया था। और इस बात को सुनने के बाद लिली को बहुत गुस्सा आता है और वो फ्रैंक को कहती है कि उसने उन लोगों को धोखा दिया है। तभी हम ओकिम को देखते हैं जो कि एक गुफा के अंदर जाता है और इसी गुफा के अंदर हम एग्वायर और उसकी पूरी सेना को देखते हैं जो बिल्कुल पत्थर के बन चुके हैं और उनके शरीर के अंदर कीड़े मकोड़ों ने अपना घर बना लिया है। इसीलिए ओकिम पहले इनके शरीर पे उस नदी के पानी की कुछ बूंदे गिराता है क्योंकि ये लोग नदी से दूर है इसीलिए पत्थर बन चुके हैं। इसीलिए ओकिम जैसे ही एग्वायर के शरीर पे कुछ बूंदे गिराता है, उसके शरीर से दो सांप बाहर आते हैं क्योंकि अब उसके शरीर पे सांपों ने कब्जा कर रखा है और इन सांपों पे एग्वायर का पूरा नियंत्रण है। इसीलिए ओकिम अब इन सांपों से कहता है कि यहाँ पे एक लड़की आई है जिसके पास एरो हेड है और अगर तुम लोग मुझे वो एरो हेड ला करके दोगे तब मैं तुम्हें टीयर्स ऑफ द मून दूंगा जिससे तुम्हें इस शाप से मुक्ति मिल जाएगी। और एग्वायर भी मान जाता है और इस बात को सुनते ही यहाँ पे चारों तरफ ओकिम पानी फैला देता है ताकि इन सबका शरीर आजाद हो जाए और पानी के आते ही इनका शरीर आजाद भी हो जाता है। तभी हम फ्रैंक को देखते हैं जो अपने जगुआर से कहता है कि तुम्हें वो एरो हेड नजर आ रहा है, मुझे वो चाहिए। और वो जगुआर उस एरो हेड को चुराने के लिए निकल जाता है और इस वक्त फ्रैंक इन्हें एक खतरनाक रास्ते से लेकर के जा रहा होता है जिससे बोट में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल होती है। इसीलिए जगुआर जैसे ही जहाज के नीचे जाता है उसे वहाँ पे एक शैंपेन की गिरी हुई बोतल मिलती है और जगुआर शैंपेन को चाटने लगता है और चाटने के बाद मदहोश हो जाता है और वो भूल जाता है कि वो यहाँ पे एरो हेड चुराने आया था। तभी हम फ्रैंक और सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान देखते हैं क्योंकि इनके आगे एक बहुत ही बड़ा झील होता है और अगर यहाँ से नीचे इनका जहाज गिरा तब कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन ऐन वक्त पर फ्रैंक बहुत ही कड़ी मशक्कत करने के बाद जहाज को मोड़ लेता है और ये लोग सही सलामत अपने सफर में आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अब फ्रैंक के जहाज की हालत खराब है इसीलिए उसे अपने जहाज की मरम्मत करनी है। इसीलिए अब फ्रैंक अपने जहाज को रोकता है और लकड़ियां काटने लगता है ताकि अपनी जहाज की मरम्मत कर सके। और इसी बीच मैग्रेगर और फ्रैंक बातें कर रहे होते हैं और फ्रैंक पूछता है कि आखिर मैग्रेगर यहाँ पे क्यों आया है। तब मैग्रेगर इनडायरेक्टली बताता है कि वो गे है और जब उसके घर वालों को ये बात पता चली तब सबने उससे नाता रिश्ता तोड़ लिया, लेकिन लिली ही एक ऐसी थी जो अभी तक उसके साथ खड़ी है और वो हमेशा से ही उसके साथ थी। इसीलिए मैग्रेगर लिली का साथ नहीं छोड़ना चाहता और वो उसे हमेशा ही महफूज रखना चाहता है। और उसके साथ साथ मैग्रेगर ये भी बताता है कि उनके पिता का सपना था कि वो टीयर्स ऑफ द मून ढूंढे, लेकिन उसके पिता इस चीज को नहीं ढूंढ सके, इसीलिए लिली अब अपने पिता का सपना पूरा कर रही है। इसी बीच हम लिली को देखते हैं जो कि फ्रैंक के कमरे में घुस गई है और उसे वहाँ पे एक बहुत बड़ी किताब मिलती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ टीयर्स ऑफ द मून की जानकारियाँ होती है, जिसे देख के लिली चौंक जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे फ्रैंक आ जाता है और लिली उससे कहती है कि तुम्हारा एक और झूठ सामने आ गया और मुझे पता लग गया कि तुम भी टीयर्स ऑफ द मून की तलाश में हो। और फ्रैंक बताता है कि हाँ, मैं कितने वर्षों से उसकी तलाश में हूँ लेकिन आज तक मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैं अमेज़न के जंगल का हर एक कोना छान मार चुका हूँ लेकिन मुझे कहीं भी कुछ भी नहीं मिला, इसीलिए तुम्हें भी अभी के अभी वापस चले जाना चाहिए। लेकिन लिली कहती है कि तुम्हें टीयर्स ऑफ द मून इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम्हारे पास एरो हेड नहीं था और इस बार हम उसे ढूंढ लेंगे क्योंकि हमारे पास एरो हेड है। और इनकी बातें चली रही होती है तभी इन्हें छत पे कुछ हलचल सुनाई पड़ती है और ये दोनों जैसे ही ऊपर जाते हैं इन्हें आदिवासी बेहोश कर देते हैं और बेहोश करने के बाद इन्हें अपने कबीले में लेकर के चले जाते हैं। और कबीले में जाने के बाद फ्रैंक उनकी भाषा में उनसे बात करता है और जब लिली पूछती है कि उसने क्या बात किया, तब फ्रैंक कहता है कि मैंने उससे कहा कि तुम दोनों का कोई दोष नहीं है इसलिए उन्हें तुम दोनों को छोड़ देना चाहिए और अगर वो चाहे तो उसे बंदी बना करके रख सकते हैं। और इतना कहने के बाद फ्रैंक फिर से आदिवासियों से बात करने लगता है और कहता है कि ये लोग हमें छोड़ने को तैयार हैं, अगर तुम इन्हें एरो हेड दे दो तो ये हमें छोड़ देंगे। लेकिन लिली इस बात को नहीं मानती और वो आदिवासियों से लड़ने लगती है और इस चीज को देखने के बाद आदिवासियों की मुखिया हंसने लगती है और फ्रैंक को कहती है कि तुम्हारा एक और प्लान फेल हो गया। और लिली समझ जाती है कि ये सब कुछ फ्रैंक का किया धरा है, इसीलिए वो फ्रैंक को एक थप्पड़ मारती है और यहाँ से चली जाती है। और थोड़ी देर के बाद वो पहुँचती है आदिवासियों के मुखिया के पास और उसे एरो हेड दिखाती है और पूछती है कि इसके ऊपर क्या लिखा है। और सारी चीजों को पढ़ने के बाद वो बताती है कि ये सांप का दिल है। और धीरे धीरे वो सारी चीजें बताने लगती है कि आखिर वो पेड़ कहाँ पे है और उसके
साथ साथ वो ये भी बताती है कि ये पेड़ सिर्फ चंद्र ग्रहण के दिन ही चमकता है और बिना चंद्र ग्रहण के ये पेड़ किसी काम का नहीं, क्योंकि जैसे ही ग्रहण खत्म होगा उसी के साथ इस पेड़ की चमक भी खत्म हो जाएगी। और अब यहाँ पे लिली को सारी बातें पता चल चुकी है, इसीलिए वो नक्शा देख करके पता कर लेती है कि अब उसे कहाँ पे जाना है और वो अकेले ही जाने का निश्चय करती है। लेकिन फ्रैंक उसे कहता है कि बिना उसके मदद के वो इस जंगल में भटक जाएगी, लेकिन लिली कहती है कि मैंने तुम पे बहुत भरोसा कर लिया, अब मैं तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती। और इतना कहने के बाद वो अकेले जाने का निश्चय कर लेती है। तभी हम मैकग्रेगर को देखते हैं जो कि आदिवासियों के साथ बहुत ही ज्यादा घुल मिल चुका है और वो उनके अनुष्ठानों में भाग भी ले रहा है। और इनकी सारी चीजें चली रही होती है तभी अग्वायर यहाँ पे अपने सारे आदमियों के साथ आ जाता है। और हम देखते हैं कि अग्वायर के सारे आदमियों के शरीर पे अब कीड़ों मकोड़ों ने कब्जा कर रखा है, इसीलिए वो देखने में बहुत ही भयानक लग रहे हैं। और ये सारे लोग यहाँ पे एरो हेड के लिए आए हैं, इसीलिए वो सबको मारने लगते हैं, मगर उनकी असली टारगेट लिली है, इसीलिए वो लिली पे बार बार हमला करते हैं और फ्रैंक उसे बार बार बचाता है। लेकिन अंत में एक आदमी लिली से उसका एरो हेड छीन ही लेता है और जल्दी ही ये एरो हेड पहुंच जाता है अग्वायर के पास। लेकिन फ्रैंक अग्वायर के पास पहुंच जाता है और उसे एरो हेड छीनने लगता है, लेकिन अग्वायर से एरो हेड छीनना इतना आसान नहीं है। लेकिन अंततः फ्रैंक उस एरो हेड को छीन लेता है। तभी अग्वायर एक खंजर फ्रैंक के दिल के आर पार कर देता है और फ्रैंक नीचे गिरने लगता है, लेकिन गिरते गिरते वो एरो हेड लिली की तरफ फेंक देता है और खुद नीचे गिर जाता है। और सबको लगता है कि फ्रैंक मर चुका है, इसीलिए आदिवासियों की मुखिया कहती है कि अगर तुम्हें इन लोगों से बचना है तब नदी से जितना दूर हो सके उतना दूर चली जाओ। और अब लिली यहाँ से भागने लगती है और वो जल्दी ही नदी से दूर चली जाती है। और वो जैसे ही नदी से दूर जाती है ये लोग उसका पीछा छोड़ देते हैं। और अगली सुबह जब लिली नदी के किनारे आती है तब वो देखती है कि फ्रैंक वहीं पे पड़ा हुआ है और फ्रैंक अभी भी जिंदा है। लेकिन यहाँ पे सबसे आश्चर्यजनक बात ये होती है कि फ्रैंक के दिल के आर पार एक खंजर अभी भी वहीं पे है, लेकिन फ्रैंक बिल्कुल ठीक है और उसके शरीर से खून का एक बूंद तक नहीं गिर रहा। इसीलिए इस चीज को देखने के बाद लिली बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और लिली का भाई भी। तभी ने फ्रैंक बताता है कि डरने की कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है और वो इसलिए नहीं मरा क्योंकि वो भी शापित है और वो पिछले 400 साल से ऐसे ही जिंदा है। लेकिन अब इन्हें जल्दी से जल्दी इस खंजर को उसके शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। और बहुत कड़ी मशक्कत के बाद लिली उस खंजर को बाहर निकाल देती है और इस चीज को देखने के बाद उसका भाई बेहोश हो जाता है। फिर फ्रैंक और लिली निश्चय करते हैं कि वो अपने सफर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन लिली अपने भाई को कबीले में ही छोड़ देती है ताकि वो सुरक्षित रहे। और अब ये लोग आगे के सफर पे निकल पड़ते हैं। तभी हम ओकिम को देखते हैं जिसे अग्वायर का संदेश मिलता है और यहाँ पे अग्वायर का संदेश कुछ मधुमक्खियां लेकर के आई होती है जो ओकिम को बताती है कि आखिर लिली कहाँ जा रही है, इसीलिए अब ओकिम भी आगे निकल पड़ता है। तभी हम फ्रैंक को देखते हैं जो कि लिली को पूरी कहानी बताता है कि 16वीं शताब्दी में फ्रैंक अग्वायर की सेना में था और उस वक्त अग्वायर के लिए उसकी पूरी दुनिया उसकी बेटी ही थी, जिसे एक लाइलाज बीमारी थी। और तब अग्वायर को पता लगा कि उसकी बेटी को सिर्फ एक ही चीज ठीक कर सकती है और वो है टीयर्स ऑफ द मून। इसीलिए अग्वायर अपनी पूरी सेना के साथ अमेज़न के जंगलों में भटकने लगा और बहुत वक्त तक भटकने के बाद हम मरने लगे क्योंकि इस जंगल ने हम पे बार बार हमला किया। लेकिन जब हम मर रहे थे तब हमें कुछ आदिवासियों ने बचाया और हम सब एक बार फिर से तंदुरुस्त हो गए। लेकिन थोड़े वक्त के बाद हमें पता लगा कि हमें जिस चीज से ठीक किया गया है वो उसी जादुई पेड़ का फूल था। इसीलिए अग्वायर अब उस कबीले के मुखिया के सामने गिड़गिड़ाने लगा और अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगने लगा। लेकिन उस कबीले के मुखिया ने कहा कि तुम उस पेड़ के फूल के काबिल नहीं हो। और इस बात को सुनते ही अग्वायर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उसने कबीले के मुखिया को मार दिया और वो एक एक करके सारे लोगों को मारने लगा ताकि उसे एरो हेड मिले। लेकिन उसी समय मुखिया की बेटी एरो हेड को लेकर के भागने लगी और अग्वायर ने उसे भी मारने की कोशिश की ताकि वो एरो हेड को छीन सके। लेकिन मैं अग्वायर के सामने खड़ा हो गया और मैंने मुखिया की बेटी को बचा लिया। इस बात से अग्वायर गुस्सा हो गया और उसने मुझे भी मारा और फिर मुखिया की बेटी यहाँ से भागने लगी और सारे लोग उसका पीछा करने लगे। तभी मुखिया ने हम सबको शापित कर दिया कि अगर हम उस पेड़ से दूर जाएंगे तो हम पत्थर के बन जाएंगे। और उसी बीच मुखिया की बेटी भी गायब हो गई और तब से अग्वायर ने मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। वो हर रोज मुझे ढूंढता और हर रोज मुझे मारता, इसीलिए उनसे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने एक जाल बिछाया और उन्हें एक गुफा के अंदर गिरा दिया जो कि नदी से बहुत दूर था। इसीलिए वो सारे लोग वहाँ पे पत्थर के बन गए और 300 साल तक वहीं पे कैद में रहे। इसीलिए उनके पूरे शरीर पे कीड़े मकोड़ों ने कब्जा कर लिया और अब उन्हें फिर से टीयर्स ऑफ द मून की तलाश है ताकि वो शाप से मुक्त हो सके। और यहाँ पे फ्रैंक ये बात भी बताता है कि जो नक्शा लिली के पास है उस नक्शे को फ्रैंक ने ही बनाया था। और अब इन सारी बातों को सुनकर लिली बहुत ही ज्यादा प्रभावित होती है और वो पूछती है कि तुम इतने सालों से यहाँ पे क्या करते रहे हो। और फ्रैंक बताता है कि इस पूरे शहर को उसने ही बसाया है और उसने बहुत दिन मेहनत करने के बाद अपने हाथ से इस जहाज को बनाया। तभी हम दूसरी तरफ मैकग्रेगर को देखते हैं जो कि कबीले की मुखिया के साथ आगे बढ़ रहा है। तभी यहाँ पे हम ओकिम के सबमरीन को देखते हैं और वो मैकग्रेगर को पकड़ लेता है और कबीले की मुखिया यहाँ से भाग जाती है। फिर ओकिम मैकग्रेगर को डरा धमका के पूछता है कि आखिर तुम्हारी बहन कहाँ जा रही है और मैकग्रेगर उसे बता देता है। तभी हम फ्रैंक और लिली को देखते हैं जो कि उस जगह
पे पहुंच चुके हैं जहां पे उन्हें वो पेड़ मिलने वाला है। और अब फ्रैंक नीचे पानी में छलांग लगाता है और पानी में नीचे जाने के बाद उसे एक रास्ता नजर आता है, इसीलिए वो बाहर आकर के लिली से कहता है कि हमें रास्ता मिल चुका है, इसीलिए अब हमें पानी के नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन लिली कहती है कि उसे तैरना नहीं आता और उसे पानी से डर लगता है, इसीलिए वो नीचे नहीं जाएगी। लेकिन फ्रैंक उसे बहुत समझाता है और अंततः लिली मान जाती है। फिर फ्रैंक और लिली पानी के नीचे कूदते हैं और फ्रैंक लिली को भेजता है दरवाजा खोलने के लिए। लेकिन लिली जैसे ही आगे बढ़ती है उसके पैर से एक पत्थर दब जाता है और दरवाजे के बाहर वाला पिंजरा बंद हो जाता है और लिली परेशान हो जाती है। तब फ्रैंक उसे कहता है कि वो बाहर ही है। लिली अपने दिमाग को शांत रखे और वो आराम से इस दरवाजे को खोले। लेकिन लिली बहुत कोशिश करती है, इस दरवाजे को नहीं खोल पाती। इसी बीच उसकी सांस भी जाने लगती है। तब फ्रैंक उसे अपने मुंह से ऑक्सीजन देता है और ये सिलसिला ऐसे ही चलते जाता है। बार बार लिली दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है और जब उसकी सांस खत्म होती है तब वो फ्रैंक के पास आती है और फ्रैंक उसे मुंह से हवा देता है। इसी बीच फ्रैंक देखता है कि यहाँ पे बहुत सारी पिराना मछलियाँ आ रही हैं, इसीलिए फ्रैंक पिराना मछलियों के बीच चला जाता है ताकि वो लिली पे हमला ना करे। और अब सारी मछलियाँ फ्रैंक पे हमला कर देती है। इसी बीच लिली की सांस खत्म होने लगती है क्योंकि फ्रैंक अब उसके पास नहीं है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाती है और अंततः वो इस दरवाजे को खोल देती है। लेकिन दरवाजे के खुलते ही लिली बेहोश हो जाती है। लेकिन अब देखते ही देखते यहाँ का सारा पानी उस दरवाजे के अंदर जाने लगता है और थोड़े ही समय के बाद ये पूरी जगह सूख जाती है और लिली भी पानी के बाहर आ जाती है। और अब ये लोग जल्दी ही अंदर जाने वाले हैं और अंदर जाने के बाद फ्रैंक को टीयर्स ऑफ द मून मिलेगा और वो इस शाप से मुक्त हो जाएगा। और लिली पूछती है कि शाप से मुक्त होने के बाद तुम क्या करोगे, और फ्रैंक कहता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैं शांति से इस दुनिया को छोड़ना चाहता हूं क्योंकि अब मेरे लिए देखने के लिए यहां पे कुछ नहीं बचा। और अब इस बात को सुनने के बाद लिली बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती है और कहती है कि अभी भी बहुत कुछ बचा है देखने के लिए, इसीलिए तुम्हें इस दुनिया में रहना चाहिए और मेरे साथ लंदन चलना चाहिए। और इन बातों को सुनने के बाद हमें साफ साफ पता लगता है कि लिली अब फ्रैंक को चाहने लगी है। और अभी इन दोनों की बातें चल ही रही होती है तभी हम ओकिम के सबमरीन को देखते हैं और ओकिम अपने सबमरीन से बाहर निकलता है और उसके साथ मैकग्रेगर भी होता है। और अब ओकिम मैकग्रेगर के सर पे बंदूक रख देता है और वो लिली को कहता है कि अगर तुमने अभी के अभी मुझे एरोहेड नहीं दिया तो मैं इसे मार दूंगा, और लिली उसे एरोहेड दे देती है। और अब ये सारे लोग अंदर जाने लगते हैं और अंदर जाने के बाद इनके सामने एक विशाल पेड़ होता है जो कि बिल्कुल सूख चुका है। और अब इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर ये पेड़ सूखा हुआ क्यों है जबकि आज चंद्र ग्रहण है। तभी इन्हें पता लगता है कि इन्हें इस एरोहेड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी इस पेड़ में चमक आएगी। और अब ओकिम यहाँ पे फ्रैंक को कहता है कि तुम्हें पता होगा कि इस एरोहेड का कैसे इस्तेमाल करना है, और फ्रैंक कहता है कि हाँ, मैं इसका इस्तेमाल तभी करूंगा जब तुम मुझे यहाँ का एक फूल दोगे। और अब ओकिम मान जाता है और फ्रैंक भी उस एरोहेड को लेकर के आगे बढ़ जाता है। लेकिन सारी आकृतियों को देखने के बाद फ्रैंक को समझ में नहीं आता कि आखिर वो एरोहेड का इस्तेमाल कैसे करे। तब वो लिली को कहता है कि वो इस किस्से को सुलझाए, और लिली मना कर देती है और कहती है कि अगर वो इस किस्से को सुलझाएगी तब उसे भी एक फूल चाहिए। तब ओकिम कहता है कि मैं दो फूल नहीं दे सकता, अब तुम दोनों को निश्चय करना है कि फूल किसे चाहिए, मैं बस एक ही फूल दूंगा। और अब इस बात को सुनकर फ्रैंक लिली से कहता है कि मैं तुम्हें फूल दे दूंगा लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि फूल मिलने के बाद तुम मुझे मार दोगी, और लिली मान जाती है। और अब लिली अंदर आकर के इस गुत्थी को सुलझाने लगती है लेकिन उसे भी समझ में नहीं आता कि इस एरोहेड को कहाँ पे लगाना है। तभी इन्हें उस आदिवासी की बात याद आती है कि उसने कहा था कि ये सांप का दिल है। और इस बात को सुनने के बाद ये लोग इस एरोहेड को तोड़ देते हैं और इन्हें अंदर से एक छोटा सा चमकीला दिल मिलता है जिसे ये लोग इस आकृति में एक सांप के दिल में लगाते हैं। और अब जल्दी ही यहाँ पे चारों तरफ उजाला होने लगता है और देखते ही देखते ये पेड़ फिर से चमक उठता है और इस पेड़ पे चारों तरफ फूल खिलाते हैं। और अब ये लोग देखते हैं कि ओकिम जल्दी से इन फूलों को तोड़ने वाला है, इसीलिए फ्रैंक यहाँ पे ओकिम के लोगों पे हमला कर देता है और उन्हें मारने लगता है। तभी लिली पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और वो जल्दी से एक फूल की तरफ पहुंचने लगती है क्योंकि उसे पता है कि जल्दी ही ग्रहण खत्म होने वाला है। और देखते ही देखते ये ग्रहण खत्म हो जाता है लेकिन उससे पहले लिली एक फूल के पास पहुंच कर उसे तोड़ लेती है। तभी लिली का पैर फिसलता है और वो उस पेड़ से लटक जाती है। तभी ओकिम उसके पास आता है और कहता है कि मुझे ये फूल दे दो, लेकिन लिली इस फूल को नीचे फेंक देती है और वो फूल नीचे आ जाता है फ्रैंक के पास। तभी यहाँ पे अग्वायर के लोग चारों तरफ भर जाते हैं और हर जगह अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और सारी चीजें टूटने लगती हैं। और अब फ्रैंक को लगता है कि अग्वायर के लोग कहीं लिली को ना मार दे, इसीलिए वो अग्वायर के लोगों को फूल दिखाता है और एक जहाज से भागने लगता है। लेकिन जहाज को आगे ले जाने से पहले वो मैकग्रेगर और जगुआर को नीचे उतार देता है और आगे बढ़ने लगता है। इसी बीच ओकिम के ऊपर एक बड़ा सा चट्टान गिरता है और ओकिम की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अग्वायर अपने सारे लोगों के साथ अब फ्रैंक का पीछा कर रहा है और फ्रैंक अपने जहाज से बहुत ही तेजी के साथ आगे भाग रहा है। तभी लिली आती है मैकग्रेगर के पास और वो देखती है कि फ्रैंक ने वो फूल उसके भाई को दे दिया है और उसके हाथ में अभी कुछ भी नहीं है। और वो जहाज को तेजी में नदी से दूर लेकर के जा रहा है ताकि अग्वायर के सारे लोग उसके पीछे आए और वो सारे लोग एक साथ पत्थर बन जाए। और ऐसा ही होता है, जल्दी ही फ्रैंक का जहाज एक चट्टान से टकराता है। तभी यहाँ के सारे पेड़ सक्रिय हो जाते हैं और वो फ्रैंक अग्वायर और उसके सारे लोगों को पकड़ लेते हैं और वो सारे लोग पेड़ की टहनियों में दब जाते हैं और दीवार से चिपक के पत्थर बन जाते हैं। और लिली जब इनके पास आती है तो इस नजारे को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और वो अपने प्यार को बचाने की आखिरी कोशिश करती है और उस फूल को फ्रैंक के मुंह के अंदर डाल देती है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। और अब लिली और भी ज्यादा निराश हो जाती है और भावुक होकर के अपने भाई के साथ यहाँ से जाने लगती है।
लेकिन फ्रैंक का जगुआर अभी भी यहीं पे बैठा है और वो भी बहुत ही ज्यादा भावुक है। लेकिन लिली जब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ती है तभी उसे जगुआर की आवाज सुनाई पड़ती है और वो समझ जाती है कि जरूर कुछ हुआ है और वो भागती हुई आती है फ्रैंक के पास और वो देखती है कि फ्रैंक शाप से मुक्त हो चुका है क्योंकि अब उसका पूरा शरीर ठीक हो गया और उसके साथ साथ उसके शरीर से खून भी निकल रहा है, यानी कि अब वो शापित नहीं है। और इन सारी चीजों को देखने के बाद लिली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी ये लोग देखते हैं कि पेड़ पे एक और फूल बचा हुआ है और अब ये लोग इस फूल को लेकर के यहाँ से निकल जाते हैं और पहुँचते हैं लंदन। और लिली को ये फूल मिल चुका है तो वो अपने शोध को पूरा करती है, इसलिए लिली का नाम पूरी दुनिया में हो जाता है। और जिन लोगों ने लिली के प्रस्ताव को खारिज किया था आज वो अनुरोध कर रहे हैं कि वो उनके साथ मिल जाए, लेकिन अब मैग्रेगर उनके प्रस्ताव को ठुकरा देता है। तभी हम फ्रैंक और लिली को देखते हैं और लिली यहाँ पे फ्रैंक को गाड़ी चलाना सिखा रही है और फ्रैंक लंदन के सड़कों पे गाड़ी चला रहा है और उनके गाड़ी के पीछे उनका जगुआर भी बैठा हुआ है। और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।